हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन का डेट जो है दोस्तों देख सकते हैं आप 28/5/2022 का है। तो ये दोस्तों बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्जाम डेट शीट होता है वो आया है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन में बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम डेट शीट के बारे में बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वो कब से कब तक चलेगा दोस्तों, ठीक है। 16 जून से आपका स्टार्ट है, 11 जुलाई तक आपका पेपर होगा। पर दोस्तों मैं जो बीएड के लिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ नॉर्मली, ठीक है। पर ये वीडियो जो है ये है स्पेशल वालों के लिए, ठीक है। ये जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए दोस्तों, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए, ये मैंने यहाँ पे जो है मार्क कर रखा है बीएड स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए वीडियो है, ठीक है। आप बीएड ऐसे रेगुलर वाले हैं अगर हैं बच्चे तो उनके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब जाके वीडियो मेरे चैनल में देख लेना, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए मैंने वीडियो बना कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन के जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र हैं, ठीक है, जिनका मेंस एक्स और बैक पेपर का है सब इसमें, ठीक है। एक्स स्टूडेंट भी हैं, बैक पेपर वाले भी हैं, ठीक है, और मेन स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। मेंस का मेन जो स्टूडेंट है वो भी हैं, ठीक है। तो ये बीएड स्पेशल एजुकेशन दोस्तों फिर से बताता हूँ, चलिए आइए। मैं सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम है इसकी टाइमिंग क्या है। तो इसकी टाइमिंग है आपका 11 AM से, ठीक है, 2 PM तक, यानी 3 घंटे आपके पेपर चलेंगे। और सेकेंड ईयर वालों का आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 3 PM से जो है 6 PM मतलब शाम को होगा, ठीक है, इनका भी 3 घंटे पेपर होगा। तो सबसे पहले बीएड फर्स्ट ईयर का देखते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद बीएड सेकेंड ईयर का बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर का है दोस्तों, 16 जून को कौन सा पेपर होगा, 16 जून थर्सडे को सबसे पहला पेपर है। यहाँ पे देख सकते हैं कोड है ES101, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ एंड जो है डेवलपमेंट। ये एस का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपका जो है फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट, ध्यान दें, ठीक है। और 18 जून को कौन सा पेपर है आपका, तो ES102 है, ठीक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है कि 22 जून को कौन सा पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 जून को कौन सा पेपर है, तो ES103 यानी लर्निंग टीचिंग असेसमेंट है दोस्तों, ठीक है, लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट है, ठीक। उसके बाद आपका 25 जून को पेपर होगा। हालांकि दोस्तों पेपरों में 1 या 2 दिन के गैप भी हैं, ठीक है, 22 के बाद सीधे आपको 25 को होगा। 25 में ES का जो है यहाँ पे देख सकते हैं ES कोड क्या है आपका, ES104 है, असेसमेंट एंड जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड है, नीड से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 27/6/2022 मंडे को होगा पेपर, 27/25 के बाद 26 गैप होगा, 26 की छुट्टी होगी, फिर 27 को पेपर होगा ES105, ठीक है, ये है कैरिकुलम डिजाइनिंग एंड एडाप्टेशन एंड इवेलुएशन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 29 जून को आपका कौन सा पेपर है, इसमें दोस्तों आप ऑप्शनल आ जा रहा है, ठीक है, ऑप्शनल में क्या है, वेडनेसडे को 29 जून को पेपर है, ES201 है, पेडोलॉजी ऑफ हिंदी, फिर ES202 है, पेडोगोजी ऑफ इंग्लिश, फिर उसके बाद दोस्तों आपका 2 जुलाई को पेपर होगा। 2 जुलाई में कौन सा पेपर होगा, तो दोस्तों आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जुलाई को ये रहा दोस्तों, 2 जुलाई को कौन कौन सा पेपर हो सकता है, ये ऑप्शनल है आपका, तो ES204 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है, फिर ES205 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स है, फिर ES212 पेडागोजी ऑफ साइंस है दोस्तों, ठीक। उसके बाद आपका 4 जुलाई को पेपर होगा, 4 जुलाई में क्या है, ES221 है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका 6 जुलाई को कौन सा पेपर है, तो 6 जुलाई को आपको ES, यहाँ पे कोड देख सकते हैं दोस्तों, ES222 है, मतलब 222 है, मतलब 222 कह सकते हैं इसे। फिर यहाँ पे ये है इंट्रोडक्शन टू जो है सेंसरी डिजेबिलिटीज़, ठीक है, यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू सेंसरी डिसेबिलिटी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद 8 जुलाई को आपका पेपर है कौन सा, ES223 है, ठीक है, कोड है आपका 223, यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू जो है न्यूरो डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 11 को लास्ट पेपर आपका कौन सा है, ES224 है, मतलब 224 है, इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है, डीफ एंड ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं हम सेकेंड ईयर पे, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर पे आते हैं दोस्तों। तो बीएड सेकेंड ईयर का आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 3 PM से जो है 6 PM पे एग्जाम होगा, तो 16 जून को, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 16 जून को कौन सा पेपर होगा, तो 16 जून को आपको पहला पेपर होगा बीएड सेकेंड ईयर वाले स्पेशल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ES301 है, एजुकेशन जो है इंटरवेंशन एंड जो है टीचिंग स्ट्रेटजी है दोस्तों। फिर उसके बाद आपका 16 के बाद 17 गैप है, फिर 18 तारीख को आपको जो है दोस्तों कौन सा पेपर है, 18 को ES302 यहाँ पे टेक्नोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी है दोस्तों।
फिर आपका 18 के बाद 19, 20, 21 गैप है, फिर 22 को आपका पेपर होगा। 22 को कौन सा पेपर है दोस्तों? ES 501 है, स्किल बेस्ड जो है ऑप्शनल कोर्स, ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका जो है कि 25 को, ठीक है, 22 के बाद सीधे 25 को पेपर है, 25 को कौन सा पेपर है दोस्तों? ES 502 है, स्किल बेस्ड ऑप्शनल कोर्स है, ठीक है, वोकेशनल जो है जो यहाँ पे देख दे रखा है दोस्तों, रिहैबिलिटेशन एंड जो है ट्रांजिशन टू जॉब प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 29 जून को कौन सा पेपर है? ES 503 है, साइको सोशल एंड फैमिली जो है इश्यूज है। उसके बाद दोस्तों आपका पेपर है यहाँ पे देख सकते हैं 2 को, ठीक है, 2 जुलाई को, 2 जुलाई को कौन सा पेपर है दोस्तों? तो यहाँ पे दे रखा है ES 504, रीडिंग एंड जो है रिफ्लेक्टिंग ऑन टैक्सेस, ठीक है, टैक्स। उसके बाद दोस्तों आपका 4 जुलाई को पेपर है, 4 जुलाई को पेपर कौन सा है? ES 505, ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका लास्ट पेपर है बीएड वालों का, ठीक है, बीएड सेकंड ईयर का लास्ट पेपर 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई है, यहाँ पे लिख रखा है ES 506, बेसिक रिसर्च एंड बेसिक जो है स्टैटिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने सब पेपर के बारे में बता दिया, ठीक है, ये स्पेशल एजुकेशन वालों के लिए दोस्तों, फिर से दिखा देता हूँ आपको, बीएड स्पेशल स्टूडेंट है। तो दोस्तों आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों ये स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप थोड़ा सा आप अपना जो रेजुलेशन जो है बढ़ा लेना दोस्तों, ठीक है, आप जब रेजुलेशन 1000 PM उसमें कर लेंगे आप, तो आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो काफ़ी क्लीन दिखेगा, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।